हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं नीति विजय नाइन टू आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आज का ताज़ा खबर ये है कि मेरी बेटी देख लीजिए रोटी बनाने के लिए सीख गई है। अब जो है कि इसकी मम्मी को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, क्योंकि ना उसका तबीयत खराब हो गया है थोड़ा। इतना जो है कि जोर से मतलब सर्दी पकड़ा है, पानी ना चल रहा है कि क्या बताएं। रात में तो मैं रोटी बनाए थे तो खिलाए, अभी ना मैं ड्यूटी से आया हूँ नाश्ता करने के लिए, तो देख लीजिए मेरा बेटी जो है कि मतलब रोटी बना दे रही है, अभी मतलब सीख ही रही है। तो आप लोग ना इसको आशीर्वाद दीजिए, दुलार प्यार दीजिए कि इसी तरीका से काम करते रहे और जल्दी से सीख जाए खाना वाना बनाने के लिए। तो आप लोग को भी खिलाएगा और हमको भी खिलाएगा, सभी को सुख मिलेगा। और इसको आशीर्वाद दीजिए कि बुद्धि ज्ञान हो, थोड़ा पढ़े लिखे आगे बढ़ें। इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों देख लीजिए मेरी नीतू का ना जब तबीयत बहुत जोर से ख़राब हो गया है, क्या बताऊँ। तबीयत ख़राब हो जाता है ना तो बहुत मन नहीं लगता, सबसे पहले तो मन नहीं लगता हमको। हाँ, सुबह में थोड़ा सा हमको इसलिए कि मैं 5 बजे ही जगे थे, झाड़ू वगैरह सब लगाए, उसके बाद नहाए, पूजा किए, तो मैं इसको जगा रहे थे कि जगो जगो, थोड़ा सा चाय बना करके दो, मैं ड्यूटी जाएंगे, टाइम हो गया है। आखिरकार में ओवर ही टाइम हो गया, मैं ना तो नाश्ता कर पाए ना तो चाय भी पी पाए, ऐसे चले गए थे। तो कोई बात नहीं है, ये सब होते रहता है, ये सब होते रहता है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। पर लेकिन अभी देख लीजिए दोनों साथ में खाएंगे, क्योंकि हम लोग जब से शादी हुआ है तब से मैं दोनों साथ में ही खाते हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं दोनों साथ में ही खाते हैं, तो क्या है ना, हमको भी संतुष्टि मिलता है और इसको भी संतुष्टि मिलता है। तो दोस्तों मेरे चैनल को दुलार प्यार देते रहिएगा।